नमस्कार दोस्तों, जॉनी डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाजिर है नया वीडियो लेके। पहले तो आप सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद कि जैसी वीडियो बनती है तुरंत गायें आप लोगों का इतना प्यार मिलता है कि आधे घंटे के अंदर तक सेल हो जाती है। और मोस्टली जो अभी गायें अपनी पंजाब के अंदर ही सेल हो रही है, उसका कारण ये है कि विश्वास, ये जॉनी डेयरी फार्म ने विश्वास ऐसा बना चुके हैं कि मतलब जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के बेनती है कि जो किसान भाई आज पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलते रहे। आज 17 तारीख है, 17 तारीख को मतलब 17 अप्रैल को मैं वीडियो बना रहा हूँ कि लोगों को ये ना लगे कि कहीं पुरानी वीडियो उठा उठा के तो नहीं डाल रहा, इसलिए मैं आपको आज की तारीख बता रहा हूँ कि आज 17 अप्रैल है और 2024 का टाइम है। और किसान भाइयों, जो गाय आप देख रहे हैं कि बहुत ही एक्सीलेंट, फिर दोबारा पूरे फार्म का मैंने सौदा किया है। मैं आपको सभी गायों का पूरा डिटेल दूंगा वन बाय वन। और इतनी एक्सीलेंट गायें, बहुत कुछ है इस बार। जिस प्रकार की भी किसान भाई अगर कोई क्वालिटी मांगते हैं तो हर एक चीज़ की आपको गाय मिलेगी। अगर आपको अगर ताजी ब्याई गाय चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, अगर किसी को प्रेग्नेंट गाय और मिल्किंग के ऊपर चाहिए वो भी मिल जाएगी, अगर खाली हीफर चाहिए 7-8 महीने का वो भी मिल जाएगा, अगर किसी को हीफर चाहिए 2 महीने की प्रेग्नेंट चेक पास वो भी अपने पास अवेलेबल है, अगर किसी किसान भाई को थोड़ा कम रेंज में 1 लाख रुपए की रेंज में अगर गाय चाहिए 1 लाख 1 दस में वो भी मिल जाएगी। हर एक क्वालिटी की अपने पास गाय है, पर रेंज जो इस बार 1 लाख रुपए से स्टार्ट होती है और एंड जो है 2.5 से 3 लाख रुपए की गाय हमारे पास अवेलेबल है। हर एक तरह की पूरा रिकॉर्ड के साथ, पूरा रिकॉर्ड मैं आपको दूंगा और वन बाय वन लास्ट तक जुड़े रहिए, क्योंकि जो इस गाय की हिस्ट्री आपको बताऊंगा तो आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि ये चौंकाने वाली बात होती है। और पहली बात है, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक किसान भाई को बताना चाहता हूं कि भाई कि जितनी भी आप गाय देख रहे हैं, 2 टाइम की मिल्किंग होती है, 5:40 मेरी घड़ी में हुए हुए, और देख लीजिए मजाल है कि कोई गाय टपक रही हो या कुछ है। पर कई किसान भाई आ जाते हैं हमारे यहाँ पे तो बोलते हैं कि भाई कहीं चावल का दाना तो नहीं घुसाया हुआ, कहीं फेविक्विक तो नहीं लगाई, ये तो नहीं किया, वो तो नहीं किया। पर भाई अपना ये बुच्चर वाला काम नहीं है, मैं स्पष्ट बात बोल दूँ, साफ़ सुथरा काम करते, इसलिए एकदम चुटकी बजा के अपनी गाय बिकती है, क्योंकि जो ट्रस्ट होता है वो बहुत मुश्किल से बनता है और टूटने में तुरंत टूट जाता है। अब जैसे ये बछड़ी देखिए, 7 महीने की बछड़ी है, आज इसकी हीट ख़त्म हुई है पर हमने इसका सीमन नहीं भराया, उसका कारण यही था कि इसकी उम्र बहुत छोटी थी। बेशक ये हाइट निकाल गई, बॉडी वेट भी गेन कर गई है, और ये जो बछड़ी है ये अब आपस में लड़ रही है, माँ बहने माँ बेटी है। पहले लैक्टेशन की ये वर्ल्ड वाइड के सीमन की बछड़ी है जो 2 महीने की प्रेग्नेंट है, अब ये माँ जो है दूसरे ब्याह में ब्याहने वाली है, ब्याह की है सॉरी, और इस बार इसने मेल काफ दिया है लाइट हाउस का। और अभी एट प्रेजेंट में जब मैं फार्म से लेके आया हूँ तो इसका 52 लीटर दूध मैंने मिल्किंग करवा के 2 टाइम उनके घर पे रह के सभी की सभी एक ही फार्म से हमने गाय खरीदी है, और इसकी जो मिल्किंग मैंने 2 टाइम करी। पर हमारे यहाँ पे अब थोड़ा स्ट्रेस में गाय आ जाती है तो उसके कारण ये जो गाय है कि पूरा प्रॉपर दूध नहीं निकाल पाती थोड़े दिन के लिए, क्योंकि मिल्किंग अपना पूरा इनटेक नहीं कर पाती, प्रॉपर खा नहीं पाती। और एट प्रेजेंट ये खुद मैं आपको बता दूं, एबीएस ब्रूड के सीमन की है, और दूसरे ब्याद में, पहले ब्याद में मैंने ही बागा भाई को बेची थी यहाँ पे रायकोट में, पूरी की पूरी गाय मैं रायकोट से लेके आया हूँ और वहीं पे हमने सेल की थी, तो उन्होंने ही मेरे को सभी की सभी गायें, कई व्यापारियों ने गाय खरीदी नहीं और अपने आप ही स्टेटस लगा देते हैं कि भाई ये फॉर सेल है फलाना ये वो, पहला पैसा लगाना पड़ता है कमाने के लिए, फिर ही जाके पैसा कमाया जाता है मेरे भाइयों, कि ऐसे ही बिना सौदा किए किसी की बेचारों की गाय उठा के तो स्टेटस पे मत लगाया करो, जो भी किसान भाई ऐसा करते हैं, क्योंकि ये बुरी बात होती है, अच्छी बात नहीं होती, पहले अपने घर पे लाया करो फिर स्टेटस लगाया करो। और फिर मैं आपको दूसरी गायें दिखाता हूँ कि अब इसके नीचे 46 लीटर 46 लीटर दूध तैयार है 2 टाइम की मिल्किंग के ऊपर। मैं कभी भी 3 टाइम पर मिल्किंग नहीं करता हूँ, क्योंकि 3 टाइम की मिल्किंग से गाय को स्ट्रेस आती है। अब ये दूसरे नंबर पे मैं आपको गाय दिखाना चाहता हूँ, ये लगभग 28 लीटर दूध पे चल रही है और ये 40 128 के सीमन की है,
इसके नीचे लाइट हाउस की फ़ीमेल काफ है, फ़ीमेल काफ के पैसे अलग से लगेंगे क्योंकि हम पैसा अलग से दे के आए हैं, साथ में उन्होंने नहीं दिया था पर हमने पैसा अलग लगा के हम लेके आए हैं। ये 40128 के सीमन की है, ये भी मैंने गाय बेची थी उनको। फिर अब ये आ गई है गैलेक्सी की, ये CRI गैलेक्सी की गाय है, दूसरे ब्याज में 55 लीटर दूध दिया इसने अपने पीक लेवल पे। एट प्रेजेंट में 28 लीटर दूध तैयार है, 5 महीने और 11 दिन की प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट ये ब्रूट्स के सीमन से प्रेग्नेंट है, 61 सीमन लगा हुआ ब्रूट का इसको, और अब तीसरे ब्याज में बच्चा देगी। और इस बार जो है 60 लीटर की गारंटी दूंगा कि गाय मिनिमम 60 लीटर दूध देगी, ये हमारी फुल गारंटी होगी 60 लीटर दूध की। फिर बाद में ये दूसरे नंबर पे है, ये प्योर ब्रीड है पूरी फुल, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रेस में है ये क्योंकि आज सुबह ही आई है सभी की सभी गायें, सिर्फ 2 गायें जो है हमारे पास कल की आई थी, बाकी सभी आज ही आई है। और ये जो है खुद 40116 के सीमन की है, डेनमार्क की यमास्का का इसको सीमन लगा हुआ है PDFA का, और 26 लीटर दूध पे तैयार है और 1.5 महीने हो गया हुआ है इसको सीमन बराए को। तो बेशक हम अब इसको ब्लड टेस्ट से हम चेक करवा सकते हैं कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं है। देखिए अडर की क्वालिटी एकदम फुटबॉल की तरह अडर की क्वालिटी है इसकी, बहुत ही सुपर डुपर है ये। अगर किसान भाई ने किसी ने लेनी है तो 1,10,000 की ये गाय यस और नो लगेगी, फिक्स रेट रहेगा 1,10,000 का। फिर बाद में एक ये गाय है PDFA स्टॉकी के सीमन की गाय है, और इसको चेरोकी का सीमन लगा हुआ वर्ल्ड वाइड का, 61 सीमन लगा चेरोकी का, और एट प्रेजेंट इसके नीचे भी 28 लीटर दूध है, और ये दोनों सेम डे की प्रेग्नेंट है गाय, और दोनों के नीचे 28 लीटर दूध है। ये दूसरे ब्याज में ब्याएगी और इस बार उम्मीद है कि 50 लीटर दूध गारंटी के साथ करेगी, क्योंकि भाई देखो जो गायों को इतना टाइम हो गया ब्याई को, लगभग आप हिसाब लगा सकते हैं कि 8 महीने हो गए ब्याई को, 8 महीने में अभी भी 28 से 30 लीटर दूध दे रही है, तो इट मीन्स कि कोई क्वालिटी होगी तो इतना दूध दे रही है, नहीं तो हर गाय किसी गाय की बस की बात नहीं होती है, नहीं तो कई गाय तो पीक लेवल पे भी 30 से 32 लीटर दूध नहीं देती और लोग 2-2.5 लाख रुपए की लेके आते हैं। सो हमेशा आदत है कि क्वालिटी के एनिमल्स में मैं काम करता हूँ, और आप लोगों को भी यही सजेशन देता हूँ कि क्वालिटी पे काम किया करो, क्योंकि उसी का ही फायदा भाई, दूध में इतनी आपको तभी कमाई होगी अगर आप सही रेट में, अगर अच्छी गाय लेते हो, क्योंकि सही रेट में तो आपको भी पता कहीं पे 22 रुपये लीटर, कहीं पे 25 रुपये लीटर, कहीं पे 40 रुपये लीटर दूध का रेट है। और इस बार कमेंट करके बताइएगा जिस जिस स्टेट से आप लोग गाय मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपके हर एक स्टेट में क्या रेट दूध का चल रहा है, तो मेरे को एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारे को भी पता लगे कि, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो अभी 46 लीटर दूध का रेट चल रहा है, तो आप अपने स्टेट का बताइएगा क्या क्या रेट चल रहा है। सो दोबारा आते हैं इस गाय के ऊपर, ये जो गाय आप देख रहे हैं स्टॉकी के सीमन की है, चेरोकी का सीमन लगा हुआ है इसको वर्ल्ड वाइड का, 61 सीमन लगा हुआ है, और क्वालिटी आप खुद अडर की भी देख सकते हैं और गाय की भी देख सकते हैं, बहुत ही एक्सीलेंट क्वालिटी की गाय है, सुपर डुपर गाय आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल जोली डेयरी फार्म पर, बहुत ही एक्सीलेंट हम वीडियोस दिखाते हैं। और ये जो आप स्टॉकी की बछड़ी देख रहे हैं, ये इसकी गैलेक्सी की बछड़ी है, इसकी गैलेक्सी की बछड़ी है, और आप खुद देख लीजिए कि इसको ब्याई को 8 से 9 महीने हुए, क्योंकि 5 महीने और 10 दिन की ये ब्याई ग्याबन है, और 2 महीने पहले ऊपर से हो गए। सो आप खुद देख लीजिए 7 महीने और 10 दिन की ये बछड़ी है, क्योंकि ये माँ बेटी है दोनों, ये दोनों माँ बेटी है, और 7 महीने और 10 दिन की बछड़ी, आप क्वालिटी चेक करिए बछड़ी की, तो ये उम्रें बीत जाती है ऐसी बछड़ी है तैयार करने में। और ये जो बछड़ी है 8th जनरेशन की बछड़ी है, आप खुद देखिए, लोग बोलते हैं कि हमारे को 8th जनरेशन की वीडियो दिखाओ किस प्रकार की होती है, तो सो आज आपके सामने है भाई कि 8th जनरेशन की आप देख लीजिए कि बच्चे कैसे होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। 2-3 अपने पास हीफर्स हैं, एक ये नॉन प्रेग्नेंट और एक ये प्रेग्नेंट है, सो ये भी हार्डली अभी जो इसकी उम्र है 12 महीने की उम्र होगी, 12 से 13 महीने की, इससे ऊपर की नहीं है, खीरी बछड़ी अभी मात्र दूध के दांत है। सो ये सब अपनी, अब देखिए इसने दिल लगाया बछड़ी ने हमारे जो घर पे रखी हुई है, आज क्वालिटी चेक करो अडर की किस प्रकार की क्वालिटी है कि नहीं, एकदम फटने को आया अडर, अभी 35-36 लीटर दूध पे चल रही है इस वक्त। सो
ये इस प्रकार का काम होता है हमारा जॉली डेयरी फार्म का। आपको किस प्रकार लगा अपना काम बताइएगा जरूर कमेंट करके। सो इसी प्रकार जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।